बिलासपुर पुलिस ने वर्ष 2018 के घुमारवी के एक व्यक्ति के साथ ऑनलाइन गाड़ी खरीदने के नाम पर हुई लाखों रुपए का ठगी को सुलझाने में कामयाबी हासिल की है तथा इस मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपियों को बिहार से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों से एक लैपटॉप, मोबाइल फोन, सिम कार्ड व एटीएम कार्ड तथा 1,05,000 नकद बरामद किया है। बिलासपुर पुलिस ने वर्ष 2018 के घुमारवीं के एक व्यक्ति के साथ ऑनलाइन गाड़ी खरीदने नाम पर हुई लाखों रुपए की ठगी के मामले को सुलझाने में कामयाबी हासिल की है तथा इस मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपियों को बिहार से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों से एक लैपटॉप, मोबाइल फोन, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड तथा 1,05,000 नगद बरामद किया है। यहां पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए एसपी साक्षी वर्मा ने कहा कि वर्ष 2018 में घुमारवीं थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति के साथ शातिर ठगों ने सफारी गाड़ी को लेकर 16 लाख की राशि अलग अलग खातों में डलवाई, लेकिन बाद में ना तो गाड़ी मिली और ना ही पैसा वापस मिला। उस व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। बिलासपुर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी से जुड़े वर्ष 2018 के 3 मामलों पर फिर से जांच शुरू की तथा इस मामले की जांच का जिम्मा साइबर सेल को सौंपा गया था। इसी जांच के आधार पर पुलिस दल बिहार गया, जहां से पुलिस ने इस मामले में शामिल आरोपी जयप्रकाश निवासी पार्वती नगर जिला नाबेड बिहार, रियास जिला शेखपुरा बिहार, आनंद कुमार निवासी पार्वती नगर जिला नामेड बिहार से गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों से पुलिस दल ने एक लैपटॉप, 9 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड व 6 एटीएम कार्ड तथा 1,05,000 नकदी बरामद की है। इसके अलावा इनके अन्य संदिग्ध खातों से 3.5 लाख की राशि का भी पता चला है। इस मामले को सुलझाने में बिहार पुलिस का भी सकारात्मक सहयोग मिला है। पुलिस से संबंधित बैंकों से इन खातों को बंद करने को कहा है। इसके साथ ही पुलिस ने घुमारवीं क्षेत्र के एक युवती से एटीएम से ऑनलाइन 84,000 की ठगी हुई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों से 75,000 की रिकवरी की है। अभियुक्त उमन निवासी भरतपुर जिला बड़तगर राजस्थान को गिरफ्तार किया है। उन्होंने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि वह ना तो ऑनलाइन किसी लिंक को ना तो ज्वाइन करे और ना ही किसी तरह की कोई डिटेल दें, बल्कि इससे पहले पूरी तरह जांच कर लें। नॉलेज में भी काफी केसेस आज की डेट में ऐसे आ रहे हैं जो साइबर वर्ल्ड से लिंक्ड है या जिसमें जो फ्रॉड हुआ है दैट हैज बीन डन यूजिंग सम इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया वेबसाइट। इसी तरह का एक फ्रॉड हमारे जिले में हुआ था, घुमारवीं थाना में रिपोर्ट हुआ था, जिसमें कि एक गाड़ी का लालच देके एक विक्टिम से 16 लाख के करीब जो है अमाउंट ड्यूप की गई थी, उनसे दी गई थी डिफरेंट अकाउंट्स में। ये केस है 2018 का, लेकिन हम लोगों ने इसको ट्रेस बैक किया था। इससे लिंक्ड जितने भी मोबाइल नंबर्स और उन मोबाइल नंबर से लिंक्ड जितने भी बैंक अकाउंट्स थे उनको हम लोगों ने फाइंड आउट किया, उनका करंट स्टेटस पता किया, करंट लोकेशन पता करी और इसमें सर्वेलेंस लगी और काफी मेहनत के बाद जो हमारी टीम जीरो इन कर पाई बिहार के कुछ एरियाज में, जहां पे हमारे करंट सस्पेक्ट्स जो हमें पता लगे वो वहां पे रिजाइड कर रहे थे, वहां से ऑपरेट कर रहे थे। इसी के कंटिन्यूशन में हमारी एक टीम यहां से बिलासपुर से बिहार गई थी, जिसने वहां स्टेशन किया अराउंड 10 डेज और वहां से उनको सफलता मिली है। उन्होंने 3 एक्यूज्ड जो है वो वहां से ट्रेस किए हैं और उनको अरेस्ट करके यहां पर लाए हैं। एक का नाम है जयप्रकाश जो नवादा बिहार के रहने वाले हैं, एक रियांश जो शेखपुरा बिहार के रहने वाले हैं और आनंद कुमार वो भी नवादा बिहार के रहने वाले हैं। और इस केस में हमें अभी तक 9 मोबाइल हैंडसेट, 9 सिम कार्ड्स, 6 एटीएम कार्ड्स और कैश 1,05,000 उस समय बरामद हुआ। इसके अलावा डिफरेंट बैंक्स को हमने कम्युनिकेशन किया है कि जो सस्पेक्टेड अकाउंट्स है उसमें जितने भी पैसे हैं वो सीज किए जाएं ताकि हम विक्टिम की रिकवरी करा सकें। एंड इन कंटिन्यूएशन टू दैट हम लोगों को अप्रोक्सीमेटली 3 लाख और जो है हम लोगों ने ब्लॉक करवाए हैं और उनकी रिकवरी भी हम विक्टिम को करवा पाएंगे। एक मोडस ऑपरेंडी यूज हो रहा था जिसमें कि कोई ना कोई डिटेल मोबाइल पे कॉल करके आपसे लेते थे, चाहे ओटीपी था चाहे आपके एटीएम की डिटेल्स थी। आज के टाइम में एक और जरिया इन फ्रॉडस्टर्स ने शुरू किया है लोगों को चीट करने का। एक वो कभी कभी आपको मोबाइल पे मैसेज पे कोई लिंक भेजते हैं कि आप इस लिंक पे क्लिक करें तो उसके बाद आपको जो भी आपने पैसा जीता है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा या जो भी आपने लॉटरी जीती है वो उसमें रीइंबर्स होगा। इस तरह का कुछ भी लालच देके एक लिंक आपको भेजा जाता है। तो आपसे अपील है कि आप इस तरह के किसी भी सस्पिशियस लिंक पे क्लिक नहीं करें और इन लिंक्स पर नॉर्मली क्लिक करने के बाद वो आपसे फिर से आपकी पर्सनल डिटेल्स 2-3 चीजें मांगेंगे, ज्यादा नहीं, ओटीपी या कुछ ऐसा। तो वो लोग दे देते हैं सोच के कि ये हम देंगे उसके बाद हमारा पैसा जो है वो रीइंबर्स होगा या हमारी लॉटरी का पैसा आएगा। तो ऐसे सस्पिशियस लिंक्स पे कभी क्लिक नहीं करें और कोई डिटेल्स अपने शेयर।